कुम प्रज्ञा के आज के एपिसोड में तनु को बहुत गुस्सा आता है और प्रज्ञा पर चिल्लाती है और प्रज्ञा पर इल्जाम लगाती है कि उसकी मेहंदी का फंक्शन खराब करने में उसी का हाथ है। वो प्रज्ञा को थप्पड़ मारने वाली होती है, इतने में अभी आता है और तनु का हाथ पकड़ लेता है और अभी कहता है कि इसमें प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है, तनु को प्रज्ञा पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। इतने में अभी तनु को वार्न करता है कि वो प्रज्ञा की बेइज्जती ना करे, प्रज्ञा उसके लिए सेक्रेटरी से बहुत ज़्यादा है और वो उसकी ज़िंदगी में स्पेशल जगह रखे, और कहता है कि अगर किसी ने प्रज्ञा की इंसल्ट करने की कोशिश की तो वो ये समझेगा कि कोई उसकी इंसल्ट कर रहा है। लेकिन तनु फिर भी प्रज्ञा के साथ मिसबिहेव करती है और उसको धक्के देकर घर से बाहर निकालने वाली होती है। इतने में अभी को और गुस्सा आता है और वो मेहंदी का फंक्शन कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ जब पूरा घर वापस आता है और उसे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि उसने सारा मज़ा मिस कर दिया। इतने में दादू पूरब को सारी स्टोरी बना, ये सुनकर खुश होता है कि अभी की लाइफ में अभी तक प्रज्ञा के लिए इम्पोर्टेंस हैं। दूसरी तरफ आलिया तनु को कॉल करती है कि और एक्टिंग करी और कहती है कि तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सारा प्लान बिगाड़ दिया, और वो तनु से कहती है कि वो अभी से माफ़ी मांग ले, हो सकता है उसकी और अभी की शादी बच जाए। तनु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अभी के पास जाकर सॉरी बोलती है, लेकिन अभी उससे कहता है कि तुम जाकर प्रज्ञा से सॉरी बोलो, और तनु ऐसा ही करती है और प्रज्ञा उसे माफ़ कर देती है।